क्या कुछ जानकारी है आज के दिन भाई? तीसरा दिन की बेइज है, ठीक है, और मेल काफ नीचे है, मेल काफ, हाँ जी, और 11 बजे बच्चों इसने बिल्कुल जा रहे किसी को, अच्छा हाँ जी, और दूध इसमें 7-8 किलो, 7-8 किलो, हाइट इसकी 5 फुट 3 इंच। दांतों में कैसे हैं? दांतों में चौथा दांत एक तोड़ गया, चौथा दांत तोड़ गई, तो 4 दांत फर्स्ट टाइमर झोटी आप देखिएगा, तीसरे चौथे दिन की ब्याई हुई बता रहे हैं भाई। सेकंड टाइम की झोटी है, सेकंड टाइमर झोटी, एक हफ्ता की ब्याई होगी, ठीक है जी, तड़े फीमेल का है, नीचे कटड़ी, हाँ जी, 16 किलो दूध है, 16 किलो दूध, 15 किलो दूध काटने को कोई आज नाप के ले जाए दो। अच्छा, अब चलते हैं लास्ट में एक और अच्छा पशुधन है, इसकी क्या कुछ जानकारी भाई? तीसरा ब्यात में से, ठीक है, और 10-11 दिन की ब्याई से, 10-11 दिन की ब्याई, और दूध है इसमें काटा को 16 किलो, 15 किलो काटा को मान लो, 15 किलो दूध काटे के का। टोल का आज इतना भाई बढ़िया पशु से, हाँ भाई, फिर तो भर के 2 टाइम 3 टाइम भर के ले जाए, बिल्कुल जल्दबाजी ना करे, ठीक है, फोन पे बैठ ना लूंगा, तो हाँ। आपके ना अपनी लाइसेंस लेकर, बहुत बढ़िया, फिर पैसे लेके जाए। एक बार फिर से पशुपालकों के सामने लेकर के फर्स्ट टाइमर से थर्ड टाइमर तक की जो भैंसे जो पशुधन है वो लेकर के आए हैं, काफी जानी पहचानी जगह है, काफी जाना पहचाना जो डेयरी फार्म है वो डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी का गांव है नैनसुखपुरा, और मनोज सरपंच भाई हैं इस गांव के, एक्स सरपंच रहे हैं, उन्हीं के फार्म से जो पशुधन है आज की स्पेशल वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। बात करें एक से बढ़कर के एक जो नायाब नगीने हैं वो फर्स्ट टाइमर झोटी आप देख लीजिएगा, सेकंड टाइमर जो बफलो है वो आप देख लीजिएगा, न सिर्फ क्वालिटी से भरपूर बल्कि कहीं ना कहीं जो रेट है वो भी बिल्कुल रिजनेबल, बिल्कुल वाजिब से जो दाम है आज की स्पेशल वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो सीधा लेकर के चलते हैं इनके पास, एक एक पशुधन की डिटेल्स बिल्कुल बारीकी से जानेंगे। मनोज भाई नमस्कार है, सबसे नमस्कार जी भाई, संदीप भाई कैसे हो जी? ठीक भाई, संदीप बढ़िया, ज्यादा पीछे चले गए, आप आगे आ जाओ, सबसे पहले तो भाई वीडियो देख रहा हूं, सब भाई जोड़ के राम राम जी भाई, जी जी सत श्री अकाल भाई, आज पहली बार खुले में लेके आए हैं, आज खुला लिया, आज खुला लिया, तो कैसा काम चल रहा है आपका? काम बढ़िया चल रहा है भाई, काम बढ़िया चल रहा है, आज धमाकेदार बारी होने वाली है, झोटियां भी अच्छी अच्छी लगा रखी हैं और रेट भी काफी अच्छा, रेट भी साइज करांग बिल्कुल ठीक है, तो टोटल कुल मिलाकर के 5 पशुधन हैं आज की वीडियो में, मिल्किंग दिखाएंगे, दो भैंसों की मिल्किंग दिखाएंगे, ठीक है, तो इसी से शुरुआत कर लेते हैं भाई। सेकंड टाइम झोटी है, सेकंड टाइमर झोटी, एक हफ्ता की ब्याई होगी, ठीक है जी, तड़े फीमेल का है, नीचे कटड़ी, हाँ जी, 16 किलो दूध है, 16 किलो दूध, 15 किलो दूध काटते को कोई आज नाप के ले जाए दो, अच्छा हल्के हल्के धीरे, तो देखिएगा सेकंड टाइमर बफलो है, नीचे फीमेल काफ जो कटड़ी है वो आपको देखने को मिलेगी, लंबी लंबाई ऊंचाई आप देख सकते हैं, पैरों के बीच का जो ऑर्डर है वो इसमें आराम से धीरे धीरे चलने का तौर तरीका, जो रोप जो रुतबा है वो इस पशुधन का, इस बफलो का 16 किलो जो दूध है आज मौके पे तैयार है, 15 किलो काटा करके कोई भी पशुपालक भाई आए 2 से 3 समय का दूध एटलीस्ट जांच परख करके देख करके ले जाए, एक हफ्ता की भाई, भाई। ऑब्जेक्शन नहीं और है, कार की ने 16 किलो दे रखे जी, तो मेले वगैरह से अभी नहीं लगी है, नहीं लगी है, लगेगी आज, तो 1-2 किलो दूध की गुंजाइश, 17-18 किलो दूध देगा भाई, ठीक है, तो बात करें आज के दिन मनोज भाई साहब 17-18 किलो दूध की कीमत क्या रहेगी वैसे? आज इसकी 15 किलो की कीमत है 1,25,000 रुपये, 15 किलो दूध की कीमत 1,25,000 रुपये, और 1-2 किलो दूध की जो क्षमता जो गुंजाइश है नीचे वो फीमेल का और भी बस्ती है। आ भाई सीताराम, और ठीक से बैठ भाई, के ठीक सा भाई, और बड़का खातिर देना देना सह के देना सा भाई, या झोटी थी खराब होगी भाई, ना तो यह आगे की होंगी और ना यह शरीर बना दी, मन तो यह काट डाला तो देनी पड़ेगी, अरे काट डाला किसी तीसी करी से, एक बात बताऊं तो मैं, शक्ति मीन गोल्ड का पाउडर, हाँ, और ब्रेडअप की गोली, 15 दिन में वारे नारे हो जाएंगे, पशुधन स्वस्थ तो किसान समर्थ, इसलिए हेल्मिसाइड DS, शक्ति मीन गोल्ड पाउडर और ब्रेडअप की टेबलेट शारीरिक विकास और हीट के लिए। तो कटड़ी है वो अपने पशुपालक भाइयों को दिखा देते हैं, फीमेल काफ जो कटड़ी है वो आप यहाँ पे देखिएगा, रीजनेबल सा रेट 1,25,000 रुपए जो कीमत जो कोस्ट है वो इसकी रखी गई है, तो सेकंड टाइमर जो छोटी है वो आप सब पशुपालकों के सामने। दूसरे नंबर के पशुधन पे चलते हैं मनोज भाई, भाई तीसरा टाइम की सगिया, तीसरे ब्याह, हाँ जी ठीक है, और आज ब्याई होगी 20-25 दिन की भाई, 20-25 दिन की ब्याई हुई, हाँ जी, और मौका पे दूसरा जिसमें 14 किलो का, 14 किलो दूध, और इसमें दूध तो भाई 16 किलो, हाँ, 3 दिन से डोका पा रही जी, अच्छा हाँ जी, 1 महीना भी हो गया, हो जाए ठीक है, और 1 महीना ड्राई करनी पड़े तो बच्चा क्या है इसमें? इसमें भी फीमेल का है, फीमेल का, हाँ जी, तो देखिएगा 25 दिन के करीबन ब्याई हुई, 1 महीना पाके हो जाएगी भाई वो जी, और ड्राई ना हो ड्राई करनी पड़ेगी 1 महीने, ठीक है, ड्राई नहीं होती हो कभी भी। ये देखो जी थर्ड टाइमर बफलो खुलेपन में सींग है वो आप सब पशुपालकों के सामने,
और 25 दिन के करीबन ब्याई हुई। अडर की क्वालिटी आप देख सकते हैं। थर्ड लैक्टेशन में जो काविंग है वो करेगी। पीठ की चौड़ाई ऊंचाई लंबाई है वो आप यहाँ पे देखिएगा। बच्चा इसमें कट रहा है नीचे? कट लिया, नीचे कट लिया है। तो आज मौके पे दूध 14 किलो 14 किलो दूध कट्टे के तोल का कोई भी करके ले जाओ। तो अभी ज्ञापन बता रहे थे आप, ज्ञापन हो जाएगी एक महीने हो जाएगी। अब इसने डोका किया है अभी, तो ये देखिएगा जी डोके कर रखे हैं। थनों में अभी भी धार उतार रखी है थोड़ी थोड़ी। तो कम कर दिया, 3 दिन डोका अच्छा करा चीजें। ठीक है, तो आपके हिसाब से दूध जो बढ़ना था वो 15 किलो दूध फेर कर जाएगी। हाँ हाँ हाँ, बात करें कीमत मूल भाव में भाई 1 लाख रुपए हम देने। 1 लाख रुपए 15 किलो दूध, ड्राई नहीं होगी, कभी भी छोड़नी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठंडी। तो देखिएगा 2 से 3 वीडियोस इस डेयरी फार्म की, इस बिल्कुल ठंडी वैसे मैंने कवर करी हैं। बोल दे, बिल्कुल। हर बार अच्छी और उत्तम क्वालिटी का पशुधन लेकर के आते हैं। ठंडे स्वभाव की थर्ड टाइमर जो बफलो है वो आप सब पशुपालकों के सामने। तो 1 लाख रुपए कॉस्ट है इसकी। ठीक है, तीसरे नंबर के पशुधन पे चलते हैं। उसकी क्या कुछ तीसरा टाइम कीजिए जी। और आज 9-10 दिन की ब्याई होगी। 9-10 दिन की ब्याई। 13 किलो दूध, 13 किलो दूध मौके पे तैयार। कल ही आइए, 15 किलो दूध दे देगी, 14-15 किलो आराम से। ठीक है बच्चा, इसमें इसमें मेल फीमेल का ना, सॉरी मेल का, इसमें मेल का। तो थर्ड टाइमर बफलो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे इसके मेल काफ जो कटड़ा है वो आपको देखने को मिलेगा। और पीठ बॉडी वेट आप देख सकते हैं। अडर की जो क्वालिटी है वो आप देखिएगा, हर तरीके से अच्छा पशुधन। माइनस पॉइंट है तो सिंगों का खुलापन इसमें थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है। आज कितने दिन की ब्याई होगी? आज भाई 10 दिन की ब्याई होगी। 13 किलो दूध है, मेले से लेने के लिए दूध मौके पे तैयार है। तो मेले से लगने के बाद किलो 2 किलो 14 किलो दूध कर देगी और बढ़ेगा। 14-15 किलो दूध दे देगी, 14-15 किलो दूध कट्टे पे आराम से चुवाई की नरम है बिल्कुल। ठीक है, तो कीमत मूल भाव इसकी? इसका भाई 92,000 रुपए। इसके 92,000 रुपए 92,000 रुपीज है वो आप सब पशुपालकों को सुनने को मिलेगा, जो रेट जो मोल भाव है पशुधन का। और पशुधन है थर्ड टाइमर बफलो, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आते हैं, काफी सारे पशुपालकों की डिमांड रहती है अक्सर फर्स्ट टाइमर झोटी को लेकर के, और काफी अच्छी सुंदरता से भरपूर जो झोटी है ऊंचाई लंबाई में बेजोड़ इनके फार्म पे आई है। क्या कुछ जानकारी है आज के दिन? भाई 3rd दिन की ब्याई है। ठीक है, और मेल काफ नीचे है, मेल काफ। हाँ जी, और 11 बजे बच्चों इसने बिल्कुल जा रहे चूको। अच्छा हाँ जी, और दूध इसमें 7-8 किलो 7-8 किलो। हाइट तो इसकी 5 फुट 3 इंच। दांतों में कैसे हैं? दांतों में चौथा दांत एक तोड़ गया, चौथा दांत तोड़ गई। तो 4 दांत फर्स्ट टाइमर झोटी आप देखिएगा, तीसरे चौथे दिन की ब्याई हुई बता रहे हैं। 7-8 किलो और नाम मात्र के पूंछ में सफेद बाल, ऊंचाई लंबाई आप देख सकते हैं। बच्चा इसमें कटड़ा है, कटड़ा है जी। तो नीचे जो मेल काफ जो कटड़ा है वो आपको देखने को मिलेगा। मौके पे 7-8 किलो दूध आज के दिन तैयार है। तो आपके हिसाब से कितना दूध दे देगी लगभग? भाई इसकी माँ ने खार की 18 किलो दूध दियो से फर्स्ट टाइमर में। अच्छा, और यो 10 महीने की पार्टी मेरे साथी लाया तो 50,000 रुपया। अच्छा, अभी वो मेरे ख्याल से 14-15 देना चाहिए। तो अगर बच्चा नहीं दूध पीता तो अडर लेवटा ठीक था? ठीक था, बढ़िया था जी। 11 बजे चूक गई हूँ मैं, अपनी घंटी मारी थी ना तो चूक गई थी। तो देखो जी, ऊंचाई लंबाई है काफी बेजोड़, फर्स्ट टाइमर झोटी चौथे दांत निकालती हुई। फिर वैसे भी भाई ठंडी है बिल्कुल। यो संदीप भाई ये देखो जी, तो देखो शराफत फर्स्ट टाइमर झोटी में बहुत कम आप लोगों को देखने को मिलेगी बिल्कुल जी। तो आज के दिन कीमत मूल भाव इसकी? इसकी 1,15,000 रुपए भाई। 1,15,000 रुपए कीमत है। आपके हिसाब से क्या दूध कर देगी भाई? 14-15 किलो दूध देना चाहिए, ठंड भी बढ़िया से मजबूत थन है, 14-15 काटने की बढ़िया से। फिर 3rd दिन की बच्चों चूको। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट में एक और अच्छा पशुधन है, इसकी क्या कुछ जानकारी? भाई 3rd ब्यात में से। ठीक है, और 10-11 दिन की ब्याई से। 10-11 दिन की ब्याई और दूध है इसमें काटा को 16 किलो 15 किलो काटा मान लो 15 किलो दूध काटे के तोल का। हाँ जी, तो 3rd ब्यात में 10 दिन की ब्याई हुई है। बच्चा नीचे मेल काफ, नीचे मेल का ये आप देखो जी, चेहरे मोरे की बनावट से लेकर के ऊंचाई लंबाई पैरों के बीच का जबरदस्त जो ऑर्डर है वो, टिट स्पेसिंग आप देख लीजिएगा काफी बेहतरीन जो टिट स्पेसिंग के साथ थर्ड टाइमर बफलो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और पशुधन है काफी अच्छा, नीचे जो मेल काफ है वो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मनोज भाई साहब कितना दूध दे देगी ये? यो भाई 17 किलो दूध पिलाया दो, थोड़ा मेल जैसे गाड़ी से और किमी चरी कम से, पर हमने अब भी 16 हो सके से 15 बता रहा था। 17 किलो दूध आराम से दे देगी। 17 किलो लीटर में 19 किलो दूध है। हाँ अब भी ठीक है, आज लीटर को 18 मान लो, काटा को 17 मान 15 मान। तो देखो जी, किलो मैं कहूँगा 17 किलो दूध आराम से, जो एक्सपेक्टेशंस जो उम्मीदें हैं वो इस पशुधन से। तो इसकी कीमत 17 किलो दूध वाली भैंस की? वो भी ठंडी है भाई बिल्कुल, देखो आप जी, ये देखो बिल्कुल ठंडी है। क्या कुछ मूल भाव करोगे इसका भाई? डेढ़ का 1,25,000 रुपये। 1,25,000 रुपये। तो आज 5 पशुधन इन्होंने दिखाए हैं,
बिल्कुल रीजनेबल सा रेट एक एक पशुधन का इन्होंने किया है, और जितनी भी वीडियोस लगभग 4 से 5 वीडियोस हमारे चैनल पे इनकी आ चुकी हैं, हर बार अच्छा खासा पशुधन। फिर भी पशुपालकों से एक ही गुजारिश करना चाहूँगा, पशुधन को देखे जाके परखे अपने हाथों से सारी चीज़ें एक एक चीज़ चेक करके फिर लेकर के आप लोग जा सकते हैं। तो दो भैंसों की मिल्किंग इनके फार्म से रेफरेंस के लिए आप सब पशुपालकों को दिखा रहे हैं, और आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट एक ही आग्रह करना चाहूँगा, इस मिल्किंग को फाइनल ना माने, पशुधन को खुद आएँ अपने हाथों से देखें जांचें परखें और फिर लेकर के जाएं। तो शाम का समय है, करीब करीब 5:15-5:30 की जो टाइमिंग है उसमें, और स्पेशल वीडियो आप लोग देख पा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी के गाँव नैनसुखपुरा से। तो बने रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ। खाली बाल्टी एक बार देखिए जी, यहाँ पे इस बफलो की जो मिल्किंग है शुरू हो चुकी है, और एक पशुधन और है उसकी मिल्किंग है वहाँ पे शुरू होने वाली है। तो बच्चा है फाइनली, उसको दूध पिला दिया गया है, और एक रेफरेंस के लिए मिल्किंग वीडियो है। कोई भी पशु पालक भाई आए, 2 से 3 समय का दूध एटलीस्ट आप लोग देख करके ले जाएं, इस मिल्किंग को बिल्कुल भी फाइनल ना माने। उस वाली भैंस को थोड़ा सा इधर बोल दो भाई साहब, थोड़ी नज़दीक आ जाएगी। बस और कर दो, और घुमा दो थोड़ा। हाँ यौरा नहीं आओगी भाई, इसे जाना वही है उसी साइड। हाँ हाँ बस ठीक है। तो दोनों पशुओं की मिल्किंग आप लोग देख पा रहे हो, और इस डेयरी फार्म की एक ही बात मेरे को अच्छी लगी, आज तक जितनी भी भैंसे इन्होंने दिखाई हैं, काटे के तोल का पशुधन दिखाया है, तो दूसरे वाली भैंस के नीचे हीरा भाई साहब खाली बाल्टी आप देख लो। ठीक है जी, करो शुरू करो। तो एक बहुत अच्छे पशुओं के जोरी हम इनको कह सकते हैं, जितना भी पशुधन लेकर के आते हैं सिलेक्टेड भैंसे, सिलेक्टेड जो मुर्रा का पशुधन है वो आपको इस फार्म पे देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेट एक एक पशुधन के इंडिविजुअली आप लोगों को मैंने बता दिए थे, और बाल्टियों में, बाल्टी में जो धारों की आवाज़ है सुस्पष्ट तरीके से, सटीक जो धारें हैं वो गिरती हुई आप लोगों को सुनाई दे पा रही हैं। इसको हटा दे विनीत, एक बार इसको और हटा दे, ये पावड़ा रख रखा है ना यहाँ। हाँ बस बस इसको हटा दे। तो बात करें फर्स्ट टाइमर झोटी की, अल्टीमेट सिलेक्शन वाला जो पशुधन है आज इन्होंने उतारा है, जबरदस्त जो झोटी है, दांतों में 4/4 दांत निकालती हुई, मौके पे 7 से 8 किलो दूध तैयार है, ऊंचाई लंबाई काफ़ी बेजोड़, काफ़ी ज़बरदस्त जो झोटी है वो आप लोगों ने देखी, शराफत से भरपूर, सुंदरता से भरपूर, ठंडे स्वभाव की जो झोटी है वो इन्होंने दिखाई। एक सेकंड टाइमर बफलो थी, एक थर्ड टाइमर बफलो थी, 2 से 3 पशुधन काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आज की वीडियो में भी यहाँ पे देखने को मिले। तो गाँव के एक्स सरपंच भी रहे हैं, काफ़ी अच्छा जो विकास का कार्य है गाँव में इन्होंने किया। बावजूद उसके बात करें पशुपालन की, तो वर्षों पुराना अनुभव, वर्षों पुराना जो एक्सपीरियंस है वो, और उसी के बलबूते पे आज लाखों जो हमारे पशुपालक भाई हैं उनके दिलों पे राज करते हैं, एक भरोसे का प्रतीक जो डेयरी फार्म है वो हम कह सकते हैं। और काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस, सबसे ज़्यादा लाइव मिल्किंग की बात करें तो वो भी आपको इस फार्म पे देखने को मिलेगी। तो हीरा भाई साहब कैसी दार चुवाई है? ठीक है सब, बढ़िया, सब बढ़िया है, बढ़िया है जी जी, चौड़ाई बहुत अच्छी। तो ये देखो जी, तो काटा भी फाइनली यहाँ पे आ चुका है, और जो दूध है वो धीरे धीरे करके दोनों बाल्टियों में गिरता हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जितना भी दूध, जितना भी पशुधन आज तक इन्होंने दिखाया, अच्छा खासा जो पशुधन है हमेशा वीडियो के माध्यम से उतारा है, और दूध चुवाई वगैरह आप देख लीजिए। ये वाली और 4 दिन दो कम चले, 4 दिन होगा। अच्छा, 2 किलो दूध कम कर गए, ठीक है जी जी।
तो मनोज भाई साहब, अब की बार काफी लंबे समय के बाद हम लोग वीडियो कवर कर रहे हैं। सेल हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज भी फोन आ रहा है जी जी। तो देखो जी, काफ़ी अच्छा काम है और इसी वजह से जो पशुधन है लोकल में डिमांड ज़्यादा रहती है तो सेल हो जाता है। बात करें हीरा भाई साहब जिसके नीचे बैठे हुए हैं, चुआई वगैरह आप देख लीजिएगा। कौन सी थर्ड टाइमर है ये? थर्ड टाइमर बफलो है ये, आप देखो। पंद्रह किलो दूध काटे के तौर का तैयार है। ठीक है जी। पशु सेट होने भाई 2-4 दिन ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप सेट ना पशु 5-7 दिन लग जाए जी जी। फिर मैं पशु का घुमाना देख रहा हूँ, डिस्टर्ब हो जाएगा, फर्क पड़ता है। ये जो भैंस घर में 22 किलो दूध देती है, एचएलडी में जाके ना 19-20 पास। हाँ हाँ हाँ। मनोज भाई साहब, इतनी मिल्किंग हमने कराई, वो हम वहाँ पे ना जो जो दूध तुलवाते हैं, जो एक्सपर्ट हैं दूध तुलवाने के, वो एक ही बात बोलते हैं कि 1-1.5 किलो तो जब पोस्ट डालते हैं उसी टाइम कम हो जाता है। अडर का झड़ाव वगैरह सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें बिल्कुल बारीकी से आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगी और काफ़ी अच्छे, मैं कहूँगा पिता पुत्रों की शानदार जोड़ी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इनके जो सुपुत्र हैं विनीत, काफ़ी एक्टिव रहते हैं। पशुपालन की बात करें तो हर एक भैंस को संभालना, दूध निकालना, सब कुछ। इतनी कम उम्र के बच्चे बहुत कम आपको मिलेंगे जो इतने एडवांस लेवल तक, मैं कहूँगा इतनी अच्छी जो ऊँचे लेवल की सोच है वो मिलेगी, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ इतनी रुचि, इतना जो रुझान है वो जब देखने को मिले तो हम सोच सकते हैं कि जब हमारी एज में मैच्योर होगा तो कहाँ तक ये जा सकता है। तो ये आप देखो जी, एक बाल्टी है लगभग फुल हो चुकी है और दूसरे वाली का दूध है वो भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे निकल चुका है। जी जी जी, सही बात है। तो कांटे पे दूध दोनों का आप देख लो जी, और खाली बाल्टी पर कट डाउन कर दो। ठीक है, आधा किलो का बट्टा 496 ग्राम। ठीक है बिल्कुल, कोई बात नहीं। ये खाली बाल्टी, ठीक है सर, 0 रुपये कर दो। 1 किलो 36 ग्राम की बाल्टी है, 0 रुपये का। जो हीरा भाई साहब थर्ड टाइमर बफलो थी उसका दूध आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, 7 किलो 952 ग्राम, यानी कि 8 किलो दूध आप मान सकते हो। कुछ बच्चे के लिए भी दूध आप देखिएगा, बच्चा अभी भी यहाँ पे दूध पी रहा है। अडर का झड़ा वगैरह देख लो। तो भाई साहब चुआई वगैरह कैसी थी? एक नंबर की चुआई थी। ठीक है, और किलो दूध भाई कोई भी कहीं के टाइम पर आपके ले जाए। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये दूसरे वाली, इसका और एक बार दिखा दो फिर से। 0 रुपये काटना, ठीक है। ये देखो जी, कितने दिन की ब्याई है वैसे? यो भाई, दो काम आ रही है, 20-22 दिन, महीना पाके हो जाएगी। ठीक है, और ड्राई नहीं होगी, करनी पड़ेगी। 6.5 किलो प्लस दूध इसमें भी है और 20-25 दिन की ब्याई हुई है। अभी हिट में आएगी तो प्रेग्नेंट भी हो जाएगी। और नीचे बच्चा इसमें क्या है? फीमेल काफ, और इसके मेल काफ। ठीक है, तो रेट एक एक पशुधन का मैंने बता ही दिया था। मनोज भाई साहब और कुछ क्या कुछ कहना चाहोगे? कुछ ना भाई, बढ़िया पशु है। हाँ हाँ भाई, फिर तो भर के 2-3 टाइम भर के ले जाए, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। ठीक है, फोन पे भेजना मंगाओ तो हाँ। आपके नंबर लाइन से लेंगे। बहुत बढ़िया, फिर पैसे लेके जाए। तो देखिएगा, इतनी सारी वीडियोस बनाते हैं, शायद ही व्यापार वर्ग का कोई एकाध भाई ऐसा कहते हुए आपको मिलेगा कि जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, पशुधन को देख करके जाँच परख करके ले जाए। तो 5 भैंसे आज मैंने भाई के फार्म से आपको दिखाई है। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।